कुकीज का क्या करना आपने? नहीं बेटा, शाम को लेके आएंगे। नाश्ता कर लिया, सारे काम हो गए हैं और अभी भी मुझे नींद, एक मिनट कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा है, और अभी भी मुझे नींद आई जा रही है। मैं ना रात को लेट सोई थी तो फिर सुबह बहुत मुश्किल से आँख खुलते हैं। फिर भी मैं 7 बजे उठ गई थी, इसके पापा को जाना था आज ऑफिस में, उनकी ट्रेनिंग है तो फिर मैं जल्दी उठ गई थी। और सब्जी जो रात को बनाई थी, उन्होंने बोला कि मैं उसी के साथ ही खा के चला जाऊंगा, तो मैंने भी ब्रेकफास्ट उनके साथ ही कर लिया। और अभी मैंने जस्ट अभी उठाया, 9 बज गए हैं सुबह के, अभी उठाया है और उसके ना एग्ज़ाम आने वाले हैं, आने वाले क्या आए गए हैं, 12 को जो है उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने उसकी जो तैयारी है वो करवा ही दी है, बस अभी उसकी प्रैक्टिस। उसके पापा से मैंने ना थोड़ी शीट्स मंगवाई थी कि जो पिक्चर जो भी है वो मैं ड्रॉ करके दे रही थी, तो इसके पापा ने मुझे आइडिया दिया कि एग्ज़ाम में मैम जो है वो ड्रॉ करके नहीं देगी, और तो आप उसी तरह से मतलब प्रैक्टिस करवाओ जिस तरह से मैम एग्ज़ाम में देगी। तो पहले मैंने सोचा कि फ़ोटो स्टेट कराए, तो फिर इसके पापा बोले मैं ऑफिस से निकाल के ले आऊँगा, तो अबाउट 10 शीट्स वो निकाल के लेकर आए हैं, तो मैं उसी से आज उसको प्रैक्टिस करवाऊँगी। देखती हूँ यार, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जितना वो कर सकते हैं उतना करवाना चाहिए उनको। और तो आज फुल डे मेरा यही चलेगा, इसका एग्ज़ाम है 12 को, इंग्लिश ओरल एंड रिटन का है, तो मुझे उसकी यही प्रैक्टिस करानी है। और अब 4-5 दिन से मैं लगातार करा भी रही हूँ उसे प्रैक्टिस, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स तीनों को साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी देर कराती हूँ। जब उसका मन करता है तो वो खुद ही बोल देता है कि मम्मा मैं, मुझे पढ़ना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो अभी जस्ट वो उठा है और उठते ही बोल रहा था मम्मा एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से उसे बोली जा रही हूँ बेटा टीवी कम देखना है, एग्ज़ाम है, टीवी कम देखना है, एग्ज़ाम है। क्योंकि बच्चों को अगर आप माइंड में नहीं डालोगे ना कि आपके एग्ज़ाम है या मैम ने बोला, और अभिमन्यु तो ऐसा है कि अगर उसकी मैम बोलेगी ना कि जो भी बोलेगी मैम ने बोला है, मैम ने बोला, तो वो मानता है। वो मुझे आवाज़ दे रहा है तो मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में अभी। क्यों? अच्छा बोलो फिर जो आपको बोलना है। अभिमन्यु बोलो, बताओ। मैं वीडियो में फोटो में खींच दी ना, खींच दी मैंने। किसको जिप निकाल रहे हो ऐसे, गंदी बात। अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, राम राम कर दो, राम राम, राम राम, जय हिंद। ये तो गंदी बात होती है सुबह सुबह। अच्छा आप ये बताओ, आपको मम्मा ज्यादा प्यार करती है पापा? पापा। पापा कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे मेकअप बताओ जल्दी, सारे इधर इधर आके बताओ, कहाँ पे करोगे मेकअप, इधर आके बताओ कहाँ पे करोगे। यहाँ पे कोई मेकअप करते हैं? यहाँ पे क्या लगाओगे? लिप किस? लिप किस नहीं होता, वो क्या होता है, लिपस्टिक। अच्छा और यहाँ क्या लगाओगे? नहीं पता। फिर आप मेकअप कैसे करोगे? मेकअप लगाओगे यहाँ पे। और आईज में? आईज में काजल। अरे वेरी गुड, आपको पता है आईज में काजल लगता है। ठीक है, पक्का अच्छे से करोगे? फिर बताओ वीडियो में कि आप मम्मा का मेकअप करोगे आज। करूंगा। ऐसे बोलो पूरा कि आज मैं मम्मा का मेकअप करूंगा, बताएगा नहीं, शर्मा रहा है। आज बोल रहा था कि मम्मा मैं आपका मेकअप करूंगा, मैंने कहा ठीक है पहले फटाफट से काम करके नहा तो ले, जब भी तो मेकअप करेगा, मम्मा भी नहाएगी।
हाँ अभी नहीं बेटा, मम्मा थोड़ा सा काम फिनिश कर ले, थोड़ा सा काम है। आज सफाई नहीं करनी, मैंने ना कल सफाई लेट की थी तो पूरा घर साफ साफ पड़ा। मैं सिर्फ आज झाड़ू लगाऊंगी और ब्रेकफास्ट, हाँ, और आपको अभी दूध पीना है, फिर लंच में जो हमारा मन करेगा वो हम बना लेंगे। ये बहुत दिनों से ना पोहा 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 कर रहा है, इसने आज तक पोहा खा के नहीं देखा, तो लंच में आज मैं वही बनाऊंगी फिर, क्योंकि मैं और अभिमन्यु है इस, हाँ पोहा आप बोल रहे थे ना रात को भी, इसने कभी पोहा खा के नहीं देखा, अगर ये खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और बना लेंगे। और तो चलो फटाफट से मैं अपना पोहा गंदा हो ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हैं? अगर पोहा गंदा हुआ ना मैं खाऊंगा। अगर पोहा गंदा हुआ तो आप नहीं खाओगे? ठीक है फिर मैं आपको कुछ और बना दूंगी, ठीक है? तो करें अपना सुबह सुबह फटाफट से काम, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में, ऐसे बोलो, आपसे हम थोड़ी देर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मैं काम फिनिश कर लेगी ना फिर मिलेंगे। तो गाइस मैं आपसे थोड़ी देर में, मेरा जो है बिखरा हुआ है, अभिमन्यु अपने टॉयज भरेगा और मम्मा झाड़ू लगाएगी, थोड़े से बर्तन रखे वो साफ करूंगी, बस फिर हमारा काम फिनिश, फिर हम दोनों नहाएंगे और आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? पहले एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है फिर मेकअप करना है, ओके? नहीं मैं भी नहाऊंगा। हाँ नहा के तो पहले एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको मेकअप करना, शाम को करेंगे। कौन सी प्रैक्टिस? एग्जाम की प्रैक्टिस अभी तो बताया था मम्मा ने, ए टू जेड। यस ए टू जेड आपको आता है ना अच्छे से? गाइज़ मैं अभिमन्यु के टॉयज़ भरवाने आई थी तो, लेकिन वो मुझसे नाराज़ हो गया कि मैं खुद से भरूंगा, और नाराज़ होकर चला गया। तो मैंने कहा चलो खुद से भर लो, बोल रहा था कि आप दूध ले आओ मैं अपने टॉयज़ खुद भर लूँगा, तो मैंने बोला ठीक है चलो। सुबह सुबह टीवी देखने की जिद कर रहा है तो इसलिए रो रहा है और बोल रहा था कि मैं दूध नहीं पीऊंगा जब तक आप टीवी नहीं चलाओगे, और ऊपर से सिफारिश लगा रहा था कि मैं पापा को बताऊंगा अगर टीवी नहीं चलाओगे ना, धमकी दे रहा था मुझे। बोलू पापा को मत बताना, बताओगे? प्लीज नहीं बताइयो। नहीं बताना। फिर मम्मा की पिट्टी होएगी। प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, लगवाओगे इंजेक्शन? ठीक है लगवाओ, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, पापा भी नहीं बताएंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा। ओके ओके, दूध फिनिश करो फटाफट से।